अस्सलामुअलैकुम बॉयज, हम लोग आज जा रहे हैं मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और बिम्बर, ये सारी जगहों पे घूमेंगे फिरेंगे। मेरा भाई आया बाहर से तो वो चाह रहा था कि हम घूमें फिरें, एंजॉय करें। तो ये हमारा गराज 365 है जहाँ पे बाइकें मॉडिफाई हो रही हैं। एक बाइक रह गई है, एक और बाइक आएगी, वो मॉडिफाई होगी। तो फिर मतलब मॉडिफाई नहीं, बस थोड़ी टेस्टिंग टूस्टिंग करनी है। हमारे साथ एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस वाला मैकेनिक भी है, इसका नाम सीब नट्स है। तो इंट्रोड्यूस मैं आपको कराता हूँ, ये जो ये बच्चा है ये लूत बाबू है, ये राजू कबाड़ी है, ये हाँ ये राजू कबाड़ी है, और ये जो है सीब नट्स है, और वो जो मेरा भाई है वो वॉशल है, और मी बोग मैन बोग। अभी पेस्ट्री अभी तक नहीं आई, पेस्ट्री आएगी बाइक लेके, तो उसकी भी थोड़ी चेक करेंगे। नरवल से आ रहा है वो, तो उसकी भी बाइक जरा चेक करेंगे और फिर हम निकलेंगे। लंडे से चुन के लाया है ये जैकेट, ये देखिए गजब बेइज्जती तो बॉयज हम यहाँ थे कि हम अभी रास्ते में हैं, तो अभी आगे जाके चाय पानी हो रही है, चाय पानी नहीं हो रहा, सिर्फ पानी हो रहा है। ये बॉयज हम लोग आधा रास्ता पहुंच आए हैं पहाड़ पे। कैसी फीलिंग है भाई? वो ठंड है भाई, जितनी सियालकोट में थी उतनी नहीं है। और भाई तुम्हारी कैसी फीलिंग है भाई? अब तो कुछ भी ना पूछो। और भाई मजा आ रही है, तुमको मजा आ रही है? तुम तो पीछे बैठे हो इसलिए मजा आ रही है। गुलाब हो गया जुलाब। तो भाई लोग हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। तो बड़ा मजा आ रहा है, आगे भी हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो वैसे नाइट का है, नाइट में इतनी खास फीलिंग नहीं है, ना व्यू है इतने कोई खास। तो दिन में आपको हम पूरे व्यू दिखाएंगे जिसमें आप भी खुश हो जाएंगे और हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, यहाँ आग लगा के बैठे हुए हैं ये सब। ये देखो जलील हो गया, ये जलील प्रोग्राम है, ये जलील प्रोग्राम हो गया। जिधर हमने सोचा था वो सीन खराब हो गया, वहाँ पे उन्होंने हमें रहाइश नहीं दी, सोने के लिए जगह नहीं दी। नहीं तो पहले हम लोगों को वहाँ पे वो कमरे भी देते थे, रहने की जगह भी देते थे, तो इस बार नहीं दिया क्योंकि कोई आम दिन है इस वजह से। जैसे अब ईद के दिन पर जाएंगे तो फिर आपको कुछ बहुत सही मिलेगा। तो अभी बस यही जलालत प्रोग्राम चल रहा है हमारा, हमारी तरफ से यही प्रोग्राम है। हाँ कभी अपने बिम्बर का प्लान नहीं बनाना। हाँ सर्दियाँ भी हैं लेकिन मज़ा आ रहा है। मैं अपडेट दे रहा हूँ चांद नवाज जी टी वी के साथ, कैमरामैन नुमान रियाज के साथ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लोग कराची से दुराने सफ़र यहाँ पर मोए अपने अपनों में इतना। भाई यार साइड पर करो यार, कैमरा लाइट इधर कर, दोबारा। हाँ भैया लोग कराची से इस्लामाबाद दुराने ईद अपने अपनों यार। लोग मैं कह रहा था लोग दुराने ईद अपनों से। भाई यार बंद करो कैमरा यार, ये नहीं बना रहे, ये कौन है, ये कौन से आदमी भैया? हम लोग अभी एक ढाबे पे आए हुए हैं, यहाँ पे अभी खाना पानी करेंगे। भूख इन बेचारों को बहुत ज़्यादा लगी थी, विद मुझे भी। तो अभी हम ये ढाबे पे बैठे हुए हैं, तो खाना वाना खा के फिर इधर ही कहीं डेरा डूरा जमाएंगे, फिर हम आगे निकलेंगे सुबह के टाइम। जिस होटल में खाना खाया था उसी होटल में बच्चा लोग सो रहे हैं, वो अभी साइड पे ना बंदे बैठे हुए हैं, उधर चार पहियाँ लगी हुई हैं, तो हम उधर बैठ के सोएंगे, उधर लेट के सोएंगे। सॉरी A few moments later. These are making too much noises. How can I sleep, bro? Just be quiet. Be quiet. तो अस्सलाम वालेकुम बॉयज, सुबह होने वाली है तो अभी हम निकलेंगे ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ। तो आगे आपको व्यू पूरा दिखाएंगे, आपको बैकग्राउंड भी दिख रहा है, एक साइड पे अंधेरा है, तो ये साइड पे आप देखें दिन है। देखें ये लोग यहाँ पे ऊपर खड़े हैं, ये चेक करें कैसा नज़ारा है यहाँ से, इधर भी देख। वो देखें हम इतनी ऊंचाई पे हैं, आपको वो ट्रक दिख रहा होगा,
ये हमारे मोबाइल का इतना जूम नहीं है, तो अभी ये व्यू चेक करें, व्यू बहुत अच्छा है। ये हमारे बशिंदे भी देख लें, दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। अच्छा होने दे, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत मजा आ रही है। रात कैसी गुजरी है? बहुत गंदी, बहुत जला तो रात में। हाँ सही है, बहुत ठंड लगी, बहुत ठंड लगी बाबा, बहुत मजा आया। रात को भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। हाँ तू तो बिल्कुल सुकून सा था, वीडियो में वो तेरे कराटे भी आएंगे। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया था, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो व्यू सबसे ज्यादा अच्छा इधर का व्यू है, बहुत मजा आ रहा है व्यू देखने को। व्यू बस बहुत अच्छे अच्छे हैं इधर। अस्सलामुअलैकुम बॉयज, ये दरबार शादी शहीद है। मुझे तो वैसे नहीं इतना पता इनके बारे में, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये इनका दरबार है, यहाँ पे आपको रहने की भी जगह मिलेगी, खाना भी मिलेगा, दो के पता नहीं तीन टाइम खाना भी मिलता है, वो भी फ्री बगैर पैसों के। सही है, तो व्यू बहुत अच्छा है, घूमने का दिल करे तो आ जाओ, बड़ा मज़ेदार व्यू है, रास्ते बड़े मज़ेदार हैं। और ये तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। और आए इस जगह में विज़िट करें, जिस जो टूरिस्ट हैं, अच्छी जगह है, बस यही सजेशन देना चाहूँगा। पुराने ज़माने में जो नहाने की जगह होती थी ना, वो इस तरह की होती थी, आपने अक्सर फिल्म मूवीज़ में या कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये पुराने दौर का मतलब नहाने वाला सिस्टम है, पानी इधर होता है तो वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इस तरह वो नहा के, ये नहाने वाली जगह है। यहाँ पे मस्जिद है तो यहाँ पे आके नमाज भी आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह से हमने भी पढ़ी है, यहाँ पे नहीं दूसरी मस्जिद में। ये दरबार है, अंदर से मैं आपको दिखा दूँ, अंदर से ये सीन है। तो वो बच्चा हमारा मन्नत मांग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हबीबी दिस इज़ नॉट गुड, यू आर मुस्लिम, नॉट गुड। तो भाई लोग अभी तो हम दूसरी तरफ जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रूम है जिधर रहने की जगह है, यहाँ पे ये सारे रूम बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे रह सकते हैं, इसके नीचे जाएंगे वहाँ पे भी रहने की जगह है। मतलब ये तीन स्टेप जो है रहने की जगह है सारी। खाने की जगह जो है, वो खाने की जगह भी यहाँ पे है, वो उस साइड पे है खाने की जगह। और ये सामने दुकानें हैं, यहाँ पे मतलब वैसे कोई खाना मिल मतलब बना बनाया बेचते हैं। और इस साइड पे जगह है, पता नहीं अब ये है कि वो है, यहाँ पे फ्री में मिलता है खाना बगैर कोई पैसों के, वो भी दो के तीन टाइम। हम वैसे नहीं खाया कभी, लेकिन गारंटी है, खिलाते हैं, टेंशन मत लेना। अब एक नन्ना सा पार्क भी है, बच्चे यहाँ खेल भी सकते हैं। हम लास्ट टाइम इधर आए थे तो इस जगह पे लोग यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए थे, खाने बना रहे थे, देगे बनवा रहे थे। तो यहाँ का व्यू बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो अभी हम लोगों का मूड है कुछ पहाड़ पे चढ़ने का, तो ये पहाड़ पे चढ़ेंगे, देखेंगे क्या सीन है। अभी हम आपको ना ऊपर जाके व्यू दिखाएंगे क्या सीन है। दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा। ये देखो कैसा पहाड़ है, बिल्कुल सीधा यूं। वो देखो हमारे बशिंदे किधर पहुंच गए और हम बेचारे अभी तक इधर हैं। ये मोटे मोटे लोग हैं, क्या करें हम लोग। ये देखें कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। बॉयज मेरे जो यार दोस्त हैं, वो सारे ना भाई भी दोस्त भी सारे ऊपर चढ़ गए हैं, इतनी ऊपर चले गए हैं कि मुझे नजर नहीं आ रही, और ये लोग मुझे बीच में रास्ते में छोड़ गए हैं, तो मैं बेचारा वापस आ गया हूँ। ये मोटे आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है यार, मारी गल है यार। हमारा प्रोग्राम तो वैसे ये है कि हम आगे जाएंगे, आगे जाते जाते साथ में आपको बड़े अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाएंगे। और क्या नाम है कि अभी ज़रा भूख भी लग रही है, कुछ खाती है। वाशरूम मैन है तो 24 आवर वाशरूम ही बड़ा रहता है। अभी ये लोग पहाड़ पर, मैंने आपको बताया था, ये मुझे छोड़ के चले गए हैं, इन लोगों ने अभी वापस नहीं आना था। ये पता क्यों आए हैं? हमारा एक मतलब टीम मेंबर है जो ऑलवेज वॉशरूम नीडेड, तो वो वॉशरूम जाने के लिए उनको ज़रूरी था, तो इसलिए वो आए थे। और क्या हाल चाल? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है भाई। कहाँ तक गए थे? किधर गए थे? ऊपर गए थे, उसको ये आ गया तो वो नीचे ले आया मुझे। अब भूख लग गई है क्योंकि वॉशरूम से बंदा हो आया है बिल्कुल फ्रेश। मुँह देखो, दांत दिख रहे हैं, मुँह खुला हुआ है इसका। इतना कुछ और लगा यार, ऐसी बातें अंदरूनी बातें नहीं पूछते।
तो दोस्तों ये देखिए कैसा प्यारा सा व्यू है। तो आपको ये आज संडे है और ऊपर से क्या डेट है आज, वेल द डेट इज 12, ठीक है 12 डेट है, संडे का दिन है। तो देखें फरवरी का महीना है और वहाँ पे देखें आपको बर्फबारी भी नज़र आ रही होगी। बर्फ़ नज़र आ रही है, नहीं भी आ रही तो फिर भी आनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से व्यू कैप्चर हो रहा है, बहुत मुश्किल से, थोड़ा ब्लर रहा है लेकिन ये बर्फ़ है, आंखों से सही क्लियरली नज़र आ रहा है। ये सारी बर्फ़ है पीछे वाली साइड पे और ये ऊपर बिल्कुल जो करीब वाले हैं इधर ये दरख्त लगे हुए हैं बड़े प्यारे डिज़ाइन से। तो ये देखें कितना प्यारा सीन है यहाँ पे, कितना खूबसूरत जगह है और बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। आप लोग भी इंजॉय करो, हमें भी करने दो। ये देखो बैक व्यू है, ये भी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इंजॉय करें, अभी आपको हम अपनी भी जरा मशकरे दिखाते हैं। तो बॉयज कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा है। अभी आगे भी और सफर करेंगे, आगे बहुत मजा आएगा, आपको दिखाएंगे साथ साथ। तो भाई बहुत मजा आया, बहुत जुड़े रहिए हमारे साथ। नहीं शांत, तू पहली बार देख रहे हैं इधर पाकिस्तान के व्यू, कैसे लग रहे हैं तुझे? अच्छे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सफर बहुत अच्छा है। सफर का ज्यादा मजा है या व्यू का ज्यादा मजा है? सफर का, सफर का हमको तो व्यू का ज्यादा मजा आ रहा है, सफर का तो इतना कोई खास मजा नहीं था। ठंड लग रही है। और अहमद भाई बुढ़ा आधे घंटे तक नाश्ता करते हैं हम, फिर यस कमांड नाश्ता भी देखते हैं इधर हमें देते क्या है, क्या मिल रहे हैं कुत्तों के पाए। नहीं वैसे भी यार इधर खाने के लिए बड़ा मसला हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा। डटोल लाना भूल गया जितना हम लोग पहाड़ों के करीब जाई जा रहे हैं उतनी ज्यादा ठंड हो जा रही है। ये देखो मुंह से धूप, देखो सही थे तो मुंह से धुआं कैसे निकल रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहां जिसके देखे ये सी बाइक की तरफ देखे दस्ताना पुठाई से हाथ पे पा लिया है इन्होंने, पा लिया है, मैंने भी सज्जे हाथ पे सीधा दस्ताना पा लिया है। सूरज सही तेज निकला हुआ लेकिन ठंड बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग वो जितना बर्फ वाले पहाड़ों के पास जा रहे हैं ना उतनी ज्यादा ठंड हो जा रही है। माशाल्लाह हम काफी ऊंचाई पे दोबारा आ गई हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं। तो ये यार ये व्यू पे दिल कर रहा है जाने का, लेकिन ये बहुत दूर है और बर्फ वाले पहाड़ हैं। देखो सूरज की रोशनी से कितने क्लियर नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। चलो आगे भी देखते हैं, ये देखो बड़ा प्यारा रास्ता भी है, देखो रास्ता भी कितना प्यारा सा है, ऐसे लग रहा है हम जंगलों में घूम रहे हैं। तो चलो आगे आपको सीन दिखाते रहते हैं पूरा पूरा। मुश्किल में भी बंदे कहते हैं ब्लॉग डालो, तो यार देखो मुश्किल ये है, बेचारे टायर को कुछ लगा है, ये देखो पंचर हो गई है। तो अभी ना इधर कोई दुकान है ना कुछ, आधे बंदे चले गए और ना सिग्नल आ रही है। तो व्यू देखो, यहाँ से हम ना नीचे जा सकते हैं ना यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, इतनी ऊंचाई पे आए हुए हैं हम लोग। तो अभी क्या करना है फिर,
क्या क्या करेंगे फिर हम लोग, ये इनको पता है बहुत दिल कर रहा मारने का, इन बच्चों को, इन बच्चों को कुत्ते की तरह मारने का दिल कर रहा है, डॉगी की तरह। बॉयज सीव ले आया बंदा, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हमारे लिए आपकी तरफ से? ये लो एंजॉय करो यार, पकड़ो, एंजॉय करो, चलो। ये अब मैकेनिक आया, पंचर लगने लगा है हमारी बाइक को, पंचर लगने के बाद फिर सेटिंग वेटिंग करेंगे, फिर देखते हैं। ये भाई ने पंचर लगा लिया है, बाइक रेडी है, अब इन बाइक को हम छोड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, अहमद भाई जा रहे हैं। ठीक है तो छोड़ गया, हवा चेक कर ली। तो बॉयज हम लोग बड़ी प्यारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से व्यू कितना प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। तो वहां से अभी भी, हाँ, तो यहाँ से क्या नाम है, पहाड़ भी नजर आ रहे हैं बर्फ वाले, वो दिख रहा है, बहुत दूर है, हम जा नहीं सकते, काफी दूर है वो। देखो ये बादल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इनसे मैंने पूछा है, वो मतलब पाकिस्तान के अंडर में आ रहे, तो वहाँ पे जा तो नहीं हम सकते, बहुत दूर है। फिर किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे, काफी दिनों बाद तो फिर जाएंगे। क्या है किधर? ओ यार ये वॉशरूम मैन, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये वॉशरूम मैन है, इसको हर वक्त वॉशरूम आया रहता है, अभी भी वॉशरूम पे लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, उसका काम ही है। तो ये देखें यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, ये हमारी बाइक्स हैं, इन पर ही हम घूम रहे हैं। तो वो आपको देखें वहाँ पे पानी नज़र आ रहा होगा, मतलब झील टाइप है, वहाँ पे उस साइड पे मंगला डैम है, और मीरपुर मतलब उस साइड पे है और मंगला डैम है। और ये जो जगह है ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, और ये वाली पहाड़ियाँ देखें कितने प्यारी प्यारी, मतलब ऐसे जैसे हम फिल्मों में घूम रहे हैं। और आँखों से जो व्यू है ना, वो कैमरे में चीज़ नहीं है, आँखों से देखोगे तो मज़ा आएगा, कैमरे में इतना मज़ा नहीं है। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। तो ये हमारे बशिंदे बच्चा पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, एक ये बाइक है, एक ये बाइक है, एक ये बाइक है, और ये और भी लोग आए हुए हैं इधर जो मतलब टूरिस्ट टाइप हैं, घूमने फिरने आए हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, ज़्यादा मज़ा तो वैसे सफ़र का है, सफ़र का ज़्यादा मज़ा है, और जितना मज़ा सफ़र का है ना, और किसी चीज़ का इतना मज़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना, वो सफ़र का आता है, बाकी व्यू तो बंदा देखता देखता रहता है। और बस यही आपको कहना चाहेंगे, तो देखते रहे मेरा चैनल, मेरी वीडियोस, और मुझे लाइक करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर ठोकने का। ये बड़े प्यारे प्यारे व्यू हैं इधर, और बहुत, कौन सी जगह, वो पत्थर आप देखो किस तरह का लग रहा है, यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। ये देखें हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये झील है यहाँ पे, अभी हम बाइकें अपनी ठंडी करेंगे। वो देखें कितना खूबसूरत पहाड़ है, दो आदमी ऊपर, किधर दो आदमी है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही वैसे कैमरे में। तो ये यहाँ पे हम लोग बाइकें धोने लगे हैं, ठीक है, तो चले आपको बाइकें भी धुलाते दिखाते हैं, ठंडी करने लगे हैं क्योंकि हम ऊंचाई से नीचे पे आए हैं, ब्रेकें फुल गर्म हुई हुई हैं। अभी ब्रेक शू पे देखना, वो देखो ब्रेक शू से धुआं निकल रहा है, वो देखो ब्रेक शू पे पानी गिर रहा है तो धुआं निकल, एक बंदा मारा गया है, दो एक बंदे को छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग इधर बैठे हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे लेटे हुए हैं, धूप को सन बाथ ले रहे हैं, पानी है लेकिन फिर भी सन बाथ ले रहे हैं। और ये देखो सारे तकलीफ हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं सारे हम लोग, सांस की थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, क्यों? ऑक्सीजन की वजह से दो लूटें जा रही हैं, वो पीछे वाली बिग लूट है।
पागल नहीं हो चुके, मस्ती मजाक कर रहे हैं पत्थरों के साथ, निशानेबाजी कर रहे हैं, देखते हैं इसका निशाना किधर जाता है। वाओ नाइस नाइस शॉट, वाओ व्हाट अ नाइस शॉट, इट्स फ्लाइंग, नाइस नाइस, ये देख ये देख। हम आ गए हैं मीरपुर में, काफी काफी अच्छा मौसम है, काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छी जगह है। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है, गर्मियों में टोपियां पहनी हुई हैं, गर्मियां नहीं है भाई सर्दियां हैं, सर्दी है, इतनी सर्दी लग रही है। तो ये सीन है, तो ये हमारे बशिंदे लोग हैं, हम लोग यहाँ पे इंजॉय पार्टी कर रहे हैं और काफी अच्छा माहौल है। आओगे तो फिर मैं वीडियो पे तो ऐसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों को इधर आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। क्या हुआ अहमद भाई, हैं क्या हुआ है, काट के तीन मिलियन ही 1500 सिर्फ उधरों के वापस, दूसरी हजार सिर्फ उधरों के वापस, नामुमकिन चल रही है, इट्स टू मच मैन, इट्स टू मच। चलो यार, आप लोग मेरे व्यूअर लोग हो, प्लीज मुझे सब्सक्राइब ज्यादा करो, व्यू ज्यादा दो, तो मैं भी अमीर हूँ, तो मैं भी ऐसे सस्ते वाले झूले में बैठ सकूँ, ऐसी वाली कश्तियों में। अमीर हैं लेकिन बजट आउट ऑफ बजट हो जाएगा काम, फिर 500 तक होता तो फिर कोई मसला नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये 6 बंदों का क्या चार्जेस लेने हैं, या कोई सस्ता कर लो काम, कोई लेन देन नहीं हो जाएगा प्रभु, लेन हुई ना देन, कोई लेन देन के हिसाब से हमें मिली है ये जेट्स की, तो अभी ये वाले हम लोग जेट्स की चलाएंगे। इन लोगों ने मना किया कि यार मोबाइल के, मोबाइल लेके अंदर मतलब बाइक चलाते हुए शूट नहीं कर सकते, क्योंकि झटके लगते हैं तो गिर जाएगा, तो इस वजह से अभी ये पहली बारी मेरे बाइक की है, बाद में हम सारों की बारी 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 आएगी। तो पहले ये मेरा बाइक जा रहा है शान, अब ये बैठेगा इस पे इंजॉयमेंट करने। चलो जान पहुंचो, जल्दी जल्दी मोबाइल दे दे भाई जान। बॉयज वो अकेला एंजॉय कर रहा है, अभी वीडियो भी नहीं बना रहा, ना कोई ज़्यादा खास स्पीड है यार, ये सऊदीया में हमने ली थी, वहाँ पे तो काफ़ी तेज़ चलती थी, यहाँ पे तो बहुत स्लो चल रही है। अभी इस पे जाने लगे हैं, तो वीडियो यार वो झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बनाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे, है ना सीप, आ जाओ यार, आ जाओ चलें। चलो बस अभी कश्ती चलने वाली है, वाह पानी भी बहुत ज़्यादा है, चलो अभी हम ये भी लेते हैं और जेटस्की भी लेंगे, फिर वीडियो ज़रा थोड़ी शॉर्ट होगी, वीडियो नहीं आएगी, माज़रत। बॉयज़ बैठ गए हैं इसमें, ये बॉयज़ भी बैठ गए हैं, सब बॉयज़ बैठ गए हैं, अब इसमें हम ट्राई करने लगे हैं।
कैसा मजा आया यार? यार देखो हम इतनी दूर उसके बाद चल गए गे। चलो हमने लिए सारे, मतलब दोनों कश्ती भी ली और जेटकी भी ली, लेकिन सबसे बुरी चीज पता क्या थी? खटारा थी यार, कबाड़ियों को बेचने वाली थी, स्पीड ही नहीं चलती थी यार उनकी। तो अभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ गई है, काफी थक भी गई हैं। वाह, घोड़े की भी सवारी है इधर, ये ऊंट की सवारी है, और ये बलून ब्लास्ट है, वो देखो कितनी मस्त पिस्टल लेके, राइफल है पिस्टल नहीं, राइफल के साथ निशाने लग रही है, वो बॉटलों को नहीं गोली चली। चलो यार अभी कहीं और निकलते हैं, कुछ खाएं भी हैं, सुबह से भूखे मर रहे हैं पहाड़ों पे, पहाड़ों पे यार कुछ खाने के नहीं मिलता, ऐसे ही लोग बोलते रहते थे तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, पहाड़ यार भूखा मारते हैं, मजाक है। सियालकोट दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी ऐसे आ रहा है, सीधा जा रहा है, आप देख सकते हैं, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और कैमरे की आंखों से भी देख सकते हैं। हम लोगों ने और भी घूमना था, तो यार घर में इमरजेंसी पड़ गई है, जिसकी वजह से हमें अभी निकलना पड़ेगा वापस। तो बस नहीं, वो इतना नहीं बताना चाहिए यूट्यूबर वालों को, यूट्यूब के व्यूअर्स को, तो इसलिए हमें इमरजेंसी पड़ गई है, इस वजह से हमें भी जाना पड़ेगा। तो बस अभी हम लोग इसलिए वापस जा रहे हैं, नहीं तो हमने एक दो दिन और इधर स्टे करना था, नई नई लोकेशनों पर जाना था, तो फिर हमने घर जाना था। तो चलें बस इतना ही व्लॉग है, थोड़ा सा रास्ते का हम डालेंगे, तो रास्ते का थोड़ा सा डालेंगे, और देखते रहे मेरा चैनल समाधर ऑफिशियल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और थोड़ी थोड़ी हम लोग क्लिप डाल देंगे लास्ट पे घर पहुँचने तक। ओके बाय बाय। लाइक करो, और अभी लाइक मुझे चाहिए, करो अभी, करो अभी, अभी के अभी भाई, बोल रहा ना तो कर लो यार, क्या जाता है।